तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक एनालिटिक फंक्शन को आपको फाइंड आउट करना है जिसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है, ठीक है, जो कि आपका v इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस के थ्री वाई स्क्वायर है। ओके, और यही वाला क्वेश्चन जो है हमारा जब निकाला था हमने, जब हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पे क्या था, गिविन, ठीक। लेकिन अब हमारे पास क्या है, v, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, इससे पिछले वाला लेक्चर आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे कोई वर्किंग रूल नहीं बताऊंगा इसका, और वर्किंग रूल आप इसमें इजिली समझ जाओगे अगर आपने पिछला लेक्चर देख रखा है तो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इस आंसर को निकलवा रहा हूँ, आप उस लेक्चर पे मत जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तब भी आप उसको सीख जाओगे, और उसको नहीं, अगर उसको सीख लिया तो आप इसको सीख जाओगे, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, गाइस। ओके, सो सॉल्यूशन में आपका मैं भी स्टेप बाय बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक सेकंड रुकिए गाइस, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन होता है, सॉरी, एक फॉर्मूला हमें पता होता है, वी नो डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई वी होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर गिवन है क्या, एफ ऑफ जेड यही है, ठीक है बेटा। तो आपका एक्स क्यू माइनस के थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, ओके, यही हमारी इक्वेशन। ओके, देन देखिए यहाँ पे आपका आई कहीं नज़र आ रहा है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका आई यहाँ पे उसने बोल दिया है कि आपका इमेजिनरी नंबर गिवन है, तो आपको यहाँ पे आई से कोई मतलब नहीं करना, ये बात याद रखना। इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने कहीं आई दे रखा है, ठीक है, जो कि मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। तो ये आपका यू बराबर है, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट, सेम वही स्टेप है जो कि हमने पिछले लेक्चर में रियल पार्ट के गिवन होने पर किए थे, ठीक है। देन स्टेप नंबर फर्स्ट इज डेरिवेटिव। ओके, सो डेरिवेटिव के लिए यहां पर आप फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या निकालनी है बेटा, u अपॉन x, तो आपका u आएगा या नहीं, आपका ये आएगा बेटा v, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इमेजिनरी नंबर यहां पे गिवन है, ठीक है। ओके, सो एक्स क्यू माइनस के थ्री एक्स वाई स्क्वायर दे माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, सो इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए। जब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के आपका, ओके, थ्री वाई स्क्वायर, देन आपका ये हो जाएगा जीरो। तो जीरो को मैं इधर साइड से कर दे रहा हूँ, आपका ये निकला आया। ओके, देन आपको अब क्या करना है, इसकी सेकेंड इक्वेशंस के लिए निकालना है। देन सेकेंड क्या हमारी क्या होती है, वाई के रेस्पेक्ट में अब हमें निकालना है वी को, ठीक है। सो वाई, ओके, देन हमारा क्या है यहाँ पे, तो देखिएगा इस एक्स क्यू माइनस के थ्री एक्स वाई स्क्वायर देन माइनस के आपका थ्री वाई स्क्वायर है, ओके, देन आपका ये जीरो माइनस देन आपका सिक्स एक्स वाई माइनस आपका सिक्स y, देन आपका जीरो उठा दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई नहीं। तो आपका क्या हो गया, ये माइनस के सिक्स एक्स वाई माइनस के सिक्स वाई, ठीक। जब ये निकला आया तो इसके बाद अगला स्टेप, ओके, स्टेप नंबर टू बेटा, ठीक है। स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं, यहां पे कंडीशन ऑफ CR इक्वेशन, ठीक है, यानी कि कॉची रिमेन इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक सेकेंड, CR इक्वेशन, ओके बेटा। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ओके, फर्स्ट हमें पता है क्या होती है, u अपॉन x इक्वल टू d v अपॉन dy। देन आपकी सेकंड कंडीशन इसमें होती है डी यू अपॉन डी वाई इक्वल में माइनस डी
v अपॉन डी एक्स। ओके देन हम इसे और क्या लिख सकते हैं इसी वाली इक्वेशंस को, ओके डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में आपका माइनस डी यू अपॉन डी वाई लिख सकते हैं इसे, ठीक है। देन ये भी हमारा काम पूरा हो चुका। ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम होता है गाइस उसमें, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी आप सवाल निकाले इसमें आपका ये वाला स्टेप हमेशा सेम रहेगा कंडीशन वाला। देन आपका स्टेप नंबर आपका कॉन्सेप्ट है थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड जो होगा उसमें आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट, ओके देन आपका डिफरेंशिएट विद डिफरेंशिएट अब आपको जेड का करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू ओके एक्स, ओके पार्शियली सॉरी पार्शियली, ठीक है। देन आप इसे कैसे करोगे, ओके तो हमें एक फॉर्मूला याद होता है गाइस, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड, एफ ऑफ जेड डैश में जेड देन यू अपॉन आपका एक्स देन आपका प्लस देन आपका यू सॉरी वी, ओके वी अपॉन में आपका एक्स, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है, हम सीख चुके हैं इस फॉर्मूले को। देन इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा, ठीक है गाइस, क्या कर देंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई करने पर आपका ये कैसा हो जाएगा, देखिए u अपॉन x है आपका, ठीक है, देन आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, इसके इक्वल में ये लिख सकते हैं हम देन v अपॉन डी y लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि du यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है डी वी अपॉन डी वाई, तो मैंने लिख दिया कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देन आपका क्या है प्लस, तो प्लस ये वाला, ठीक है, देन डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आपका क्या है, देन आप देखिए डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स बराबर आपका क्या है माइनस की यू ओके हाँ यू अपॉन वाई है, देन आपको क्या कर देना है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, देन आप इसी को ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, आपको इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वरना हमारा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे v ही निकालना है, ठीक है बेटा, देन आपका x, ओके देन आप इसे इससे ही लिखा रहने दीजिए, इसे हम नहीं लिखेंगे, ओके क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे v गिवन है इसलिए, वरना हमारा u आ जाता, ठीक, अगर आपका यहाँ पे u गिवन होता देन आप इसको यहाँ पे लिख सकते थे और आप आगे इसे सॉल्व आउट कर सकते थे, तो आप यहाँ पे अब क्या कर लोगे, ओके आपने निकाल ही लिया है, तो इसके इक्वल में ये क्या क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बस आपको पुटअप कर देनी है, कौन कौन सी हमने वैल्यू निकाल रखी है, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स हमने निकाल रखा है डी वी अपॉन डी एक्स, देन आप इसे लिख दीजिए, देन आपने डी वी अपॉन डी वाई भी निकाल रखा है डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है, क्या आपने डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे निकाल रखा था, कहीं नहीं निकाल रखा था ना, इसलिए मैंने और नहीं ये लगाया, ठीक, आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो देखिए बस मैं इसे इस तरफ लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चलिए तो इस वाली से वैल्यू को मैं इधर ही लिख देता हूँ पहले, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के आपका थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू पहले लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो देन आपका प्लस फिर आपका क्या है माइनस, देन आपका ये क्या हो जाएगा माइनस, ओके देन आपका सिक्स एक्स वाई, देन आपका ये क्या हो जाएगा माइनस आपका सिक्स वाई, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो हमारे थर्ड स्टेप जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे टू स्टेप और हैं बाकी के, तो वो टू स्टेप क्या है हमारे, ओके देन स्टेप नंबर मिलने थॉमसन मेथड थर्ड पुटिंग एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो इन एफ डैश जेड, सो वी गेट बेटा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके इक्वल में आया है ये वाली इक्वेशन हमने प्राप्त की है, ठीक है, देन आपको ये लिख लेना है पहले एफ डैश जेड इक्वल में आपका क्या निकला, थ्री एक्स स्क्वायर देन माइनस आपका थ्री
वाई स्क्वायर, देन आपका माइनस सिक्स एक्स वाई, देन माइनस सिक्स वाई. ओके, देन आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जब आपका ये निकलाया तो थ्री जेड की पावर स्क्वायर माइनस थ्री आपका जीरो, देन आपका सिक्स आपका जेड, देन आपका जीरो, देन माइनस में सिक्स आपका जीरो. तो ये सारे टर्म आपके जीरो हो गए, देन आपका थ्री जेड स्क्वायर इसका आंसर निकलाया. अभी नहीं निकला है, ये आपका कौन सा स्टेप था, अभी तो फोर है, अभी आपका एक और इंटीग्रेशन करना रह गया. ठीक है बेटा, तो आपके फोर स्टेप अभी हुए हैं, देन आपका जेड बराबर ये निकलाया. ओके, जब आपका ये निकलाया तो यहाँ पे एक लास्ट स्टेप होता है फाइव, स्टेप नंबर फाइव. तो स्टेप नंबर फाइव में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड टू ऑप्टेन द एफ ऑफ जेड. ठीक है, एफ ऑफ जेड को फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश जेड में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन एफ डैश जेड इक्वल में बेटा आपका क्या है, थ्री जेड स्क्वायर, देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, थ्री अपॉन जेड क्यू अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, प्लस सी अपॉन का जेड क्यू प्लस सी. आपका आंसर आ चुका किसके बराबर, एफ ऑफ जेड के. ठीक है, दिस इज आंसर. तो आई होप आपको आज का भी लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक, अगर फिर भी इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा. लेकिन गाइस इसी टॉपिक से रिलेटेड ही पूछना. ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पिछला लेक्चर देखना ना भूलें जिसका पिछला लेक्चर था. ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा. तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पोलर फॉर्म के ऊपर, जहाँ पर हम कॉची रिमेन इक्वेशन का यूज़ करेंगे एक पोलर फॉर्म के लिए. ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक व शेयर करें, और अपने फ्रेंडों को भी इसे शेयर करके बताएं. और हाँ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आते रहें. तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग. जय हिंद, जय भारत.